टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे उतरने का समय, यानी कि यहां से प्रोजेक्टाइल यहां कितने समय में आएगा। तो इसके लिए जब प्रोजेक्टाइल यहां से यहां आया तो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस की क्या होगी? जीरो। देखो ना, यहां से यहां के लिए ये इनिशियल, ये फाइनल वाई एक्सिस में, और यहां से यहां के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या काउंट होगी? जीरो। तो एक बार हम नीचे उतारते हैं बॉडी को, नीचे उतारने में वाई एक्सिस में लिखना जरूरी है किस एक्सिस पे इक्वेशन है, वाई एक्सिस पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू वाई एक्सिस में जीरो, क्योंकि मैंने y बोल दिया तो हर चीज अब y में ही देखनी है, x में देखना ही नहीं कुछ भी। तो इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस की जीरो। नीचे उतरते हुए हाइट कितनी कवर हुई y एक्सिस में? hm। तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? h ऑफ m, राइट। नीचे उतरने में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? g, क्योंकि ऊपर जाने में माइनस g, नीचे आने में प्लस g, और टाइम कितना है? t2। तो इस बार y एक्सिस में इक्वेशन लगाएं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस की जगह कितना hm, इनिशियल वेलोसिटी की जगह कितना? जीरो, हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g की जगह प्लस g, नीचे उतर रही है बॉडी, इन टू टी टू स्क्वायर। यहां से 2 इस तरफ, g नीचे, अंडर रूट लेंगे तो t2 की वैल्यू आ गई, कर लेंगे t2 की वैल्यू आ गई। एच ऑफ एम का फॉर्मूला अभी ऊपर निकाला था, कितना? वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। टू से टू क्या हो गया? कैंसल। वी स्क्वायर का अंडर रूट वी, साइन स्क्वायर का अंडर रूट साइन, जी स्क्वायर का अंडर रूट जी। टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला भी नोट कर लें और चेक करें, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये तो रूल है, जितना टाइम बॉडी ऊपर आने में लगाएगी उतना ही टाइम बॉडी नीचे आने में भी लगाएगी, दोनों टाइम सेम है। और टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? t1 प्लस t2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2v sin थीटा बाई जी। तो ये सारे फॉर्मूले नोट करो, टाइम ऑफ डिसेंट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट।